गाइज वेलकम बैक टू स्विच लीज 2.0। गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं देसी फैक्ट्स फैक्ट्री चैनल से पापा की परी साइकिल लेकर निकली, मस्ट वॉच न्यू कॉमेडी वीडियो। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। ओके स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाले हैं जिनके एक्सपेरिमेंट के वजह से उन्हें लेजेंड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं वैशाली जी से। वो कहते हैं ना कि दुनिया अजूबों से भरी पड़ी है। अब जो वैशाली ने किया वो कोई करके दिखाए। इन्होंने किया गांजा का एक्सपेरिमेंट। इन्हें देख के तो ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ ज्यादा ही गांजा फूंक लिया है, तभी तो इनके हाथ पांव रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। माता आ गई है। वैसे दोस्तों क्या कभी आपने इस लड़की को देखा है रात में अकेले में? कभी तो देखा ही होगा। अबे साले जब माफ करना, मैं जो तमीज से। दीदी की शक्ल मियां खलीफा से थोड़ी सी मैच क्या हो गई, ये खुद को ही मियां खलीफा समझने लगी और ये चश्मा लगा के बिल्कुल ऐसे ही बनने की कोशिश कर रही है। देखिए कैसे इनके दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। इन्हें डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, इन्हें बनना है मियां खलीफा। क्या बात है यार। अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन पापा की परियों को हो क्या गया है। ये डांस करने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल देती हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि नीचे खंबा है या फिर क्रेन। इतना सब होने के बाद भी अगर इनके पेरेंट्स इनसे कह दे कि बेटा पढ़ाई कर ले, तो सुनिए इनका क्या जवाब होता है। पढ़ाई एक नशा है और हम नशा नहीं करते। पढ़ाई तो बेकार का काम है, ये तो पढ़ाई को पार्ट टाइम में लेती हैं। और अगर इनसे कह दो कि बेटा पढ़ाई कर लो, तो इनका जवाब होता है कि 4 दिन की जिंदगी है, खुल के एंजॉय करने दो। देखिए कैसे ये लोग खुल के एंजॉय कर रहे हैं। माँ बाप तो इन पापा की परियों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई सड़कों पे होती है। बहुत सही। अरे बच्चा बड़े हो जाओ पहले। हम किसी जमाने में सुना करते थे कि लड़के कमीने होते हैं और लड़कियां मासूम, लेकिन आजकल के हालात को देख के ये थ्योरी थोड़ी उल्टी पड़ गई है। ना लड़के कमीने ही हैं, लेकिन लड़कियां भी हो गई हैं संगत में। हम जब छोटे थे तो सबसे पहले स्कूल में प्रेयर होती थी, लेकिन आजकल के बच्चे कुछ अजीबोगरीब प्रेयर करते हैं यार। देखिए इनको। इंटरनेट और टीवी देख के ये बच्चे इतने खतरनाक हो चुके हैं कि 1 मिनट में अपने माँ बाप का झगड़ा करा सकते हैं। अब जरा इन रील वाली दीदी से मिलिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कहते हैं पापा की परियां अपनी तारीफ सुन के खुश हो जाती हैं, लेकिन ये मोहतरमा अपनी तारीफ सुन के भी खुश नहीं है। यार तुम साफ साफ बताओ ना, तुम लोगों को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मतलब मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी एफर्ट लगा लूँ, तुम लोगों का एक ही रिप्लाई होता है। यार मैंने साड़ी पहनी तो क्यूट, सूट पहना तो क्यूट, ड्रेस पहनी तो क्यूट, टॉप पहना तो क्यूट, सो के उठी तो क्यूट, रो के उठी तो भी। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, मतलब इन्हें बुरा कमेंट करो तो भी दिक्कत और अच्छा कमेंट करो तो भी दिक्कत। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। अब मिलवाते हैं एक ऐसे लौंडे से जो गाजा पी के सुई में धागा डाल रहा है। वाह क्या सुई है और क्या धागा है। अब रात भर जागोगे, लड़कियों से चैटिंग करोगे तो ऐसा ही होगा ना। वाह इनके बारे में तो बस इतना ही कहूंगा कि इन्हें देख के नासा के वैज्ञानिक भी कहेंगे हमको मारो, हमको तुमको जिंदा मत छोड़ो, पालो। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि एक बाइक पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 2, 4, 6? नहीं नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ तो पूरा मोहल्ला ही बैठा हुआ है। बेटे 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 मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह,
क्या बात है लौंडो, तुमने तो मौज कर दी। बहुत सही, और इसको ये कूल समझ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सबका एक साथ चलान कटना चाहिए। मतलब जो चला रहा है उसका तो चलान कटेगा ही कटेगा, और कटना चाहिए भी, ठीक है। एक तो बिना हेलमेट, ऊपर से इतनी सारी सवारियां, ठीक। और जो इतना सारे लदे हुए बैठे हैं, इनका एक्स्ट्रा में चलान कटना चाहिए, इनका एक्स्ट्रा इनसे अमाउंट फाइन लेना चाहिए, ठीक है, सरकार को, कि हाँ तुम्हें बहुत ज्यादा वो स्टंट दिखाने हैं ना, स्टंट मैन बनना है तुम्हें, बड़ा बहुत ज़्यादा कूल बनना है। चलो अपने कूलनेस, जितना अपने आपको कूल समझते हो तुम, उतना पैसा निकालो। कसम से एक दिन में, मतलब भारत की जो एक दिन में जो टैक्स इनकम होती है, ठीक है, वो एक दिन में तुम्हारा, एक दिन में क्या, एक घंटे में पे हो जाएगा, सच में भाई साहब। सो क्या परियां हैं भाई, क्या परियां हैं, ओहो हो, परियां तो नहीं, मक्खियां जरूर है। एक यहाँ मेरे सर पे पता नहीं कहाँ भिनभिना रही है, ठीक, और एक ये मक्खियां, ओ भाई मतलब कोई लिमिट नहीं मूर्खता की, कुछ नहीं। वाह, वो पढ़ाई एक नशा है और हम नशे से दूर रहते हैं। वाओ रियली, हाँ उस नशे के अलावा, पढ़ाई के नशे के अलावा बाकी इन्होंने सारे नशे कर रखे होते हैं। हुक्का नहीं छूटता इनसे, बीड़ी सिगरेट नहीं छूटती इनसे, दारू नहीं छूटती इनसे, भाई सब तरीके के नशे इन्होंने कर रखे होते हैं, सिर्फ एक पढ़ाई के नशे को छोड़कर। सो यार आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, और आप क्या, आपको रिएक्शन कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।